वैसे तो बिहार में शक्ति पीठों और देवस्थलों की कोई कमी नहीं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कहीं माथा टेकने से दर्द पीड़ा दूर होते हैं तो कहीं सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में एक ऐसा सूर्य मंदिर भी है जो कोणार्क और देव सरीखा से भी श्रेष्ठ है, जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांभ ने बनवाया था। दरअसल बिहार के सहरसा जिले के कंदाहा गांव में एक अति विशिष्ट सूर्य मंदिर है। शास्त्रों की माने तो इस सूर्य मंदिर की श्रेष्ठता कोणार्क और देव सरीखा से भी अधिक है। हालांकि दुख की बात तो ये है कि अति प्राचीन यह सूर्य मंदिर सरकारी उपेक्षा और प्रशासनिक उदासीनता का दंश झेल झेल कर गुमनामी के अंधेरे में गुम होने की कगार पर है। सूर्य पुराण और महाभारत के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांभ्य द्वारा निर्मित इस सूर्य मंदिर की श्रेष्ठता इस बात से प्रमाणित होती है कि इस मंदिर में राशियों में प्रशक मेष राशि के साथ सूर्य की प्रतिमा स्थापित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में सिर्फ सूर्य ही नहीं बल्कि अष्टभुजी गणेश भी विराजमान है। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो बैसाख महीने में जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की पहली किरण इसी सूर्य प्रतिमा और उनके रथ पर पड़ती है। इस मंदिर में सभी 12 राशियों की कलाकृति के साथ साथ सूर्य यंत्र भी मौजूद है। बता दें कि इस अति प्राचीन मंदिर में शिव की अद्भुत प्रतिमा के अलावे सूर्य की दोनों पत्नियां संज्ञा और छाया की प्रतिमा भी यहां मौजूद है, जो बिरले ही किसी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तमाम श्रेष्ठता और खासियत के बाद भी इस मंदिर की ख्याति कोणार्क या फिर देव के सूर्य मंदिर की तरह नहीं है। इस मंदिर को जहां आज पर्यटक स्थल होना चाहिए था, वह आज गुमनामी की ओर बढ़ रहा है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि सरयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युग में प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान सूर्य ही हैं। इनसे बढ़कर तो कोई नहीं है। आज कलयुग में भी लोग भगवान सूर्य की ही पूजा करते हैं। इन्हें साक्षात देवता के रूप में देखा जाता है। मंदिर के पुजारी की माने तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांभ ने 12 राशियों में सूर्य की स्थापना की थी। उसी में प्रथम मेष राशि की प्रतिमा इस जगह है। विदेश आक्रांताओं द्वारा कई बार मंदिर पर हमला किया गया, जिसके बाद मंदिर काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर 1334 ईस्वी में इनवार वंश का राजा भवदेव सिंह द्वारा मंदिर का जीर्णोद्वार कराया गया। कंदाहा सूर्य मंदिर की एक और खासियत है, इस मंदिर के परिसर में एक चमत्कारी कुआं है। ऐसी मान्यता है कि किसी को अगर सफेद दाग हो या चर्म रोग हो तो उस व्यक्ति को कुआं पर स्नान कराने से और सूर्य भगवान का चरणामृत पिलाने से उसका चर्म रोग खत्म हो जाता है। वही सच्चे मन से जो भगवान भास्कर से विनती करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है।